सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों, आपको बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद के अंदर जो भी आपको काढ़ा बताया गया है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये चाय का कप है हर्बल टी का, तो इसी हर्बल टी को पी सकते हो, इसी हर्बल टी की भाप ले सकते हो, ऐसे उसी काढ़े को पी सकते हो, उसी काढ़े की भाप ले सकते हो अगर जल्दी स्वस्थ होना है। क्योंकि एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसको भी ज्यादा सांस की दिक्कत आती है वो उल्टा लेट जाए, जिसको प्रोन पोजिशन बोलते हैं, उल्टा लेटने से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा, फेफड़ों का नेचुरल वेंटिलेटर है भाप, यानी कि भाप लो स्वस्थ रहोगे, और भाप में जड़ी बूटियां डाल लो, जो भी घर में पड़ा है सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, सबकी भाप ले लो, वैसे ठीक हो जाओगे। और सुन लो, खाली आप हल्दी के पानी के गरारे या फिटकरी के गरारे कर लो, या हल्दी का पानी पी लो दिन में 3-4 बार गरम गरम, तो भी ठीक हो जाओगे। ये सिंपल जुकाम, बुखार, खांसी, एक फ्लू है, लेकिन आप लोग दूध पी लेते हो, दही खा लेते हो, ठंडा पानी पी लेते हो, चावल रोटी खा लेते हो, जिससे तबीयत खराब हो जाती है। रायता, दूध वाला, दही वाला नहीं खाना होता इस टाइम पे। और मैंने देखा हॉस्पिटल में जो डाइट आती है उसमें भी रायता आता है, तो कुछ दिन के लिए दूध की बनी चीजें नहीं खाओ। हमारे पूर्वजों ने साफ बोला था कि जब भी मौसम बदले व्रत रख लो, अपने अंदर की इम्यूनिटी को इंप्रूव कर लो।